हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ कोकोनट केक, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है और बहुत टेस्टी होता है और सुपर हेल्दी होता है। तो ये बनाने में बहुत ही आसान है और कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला ये रेसिपी है। तो चलिए आप लोगों को मैं कैसे ये बनता है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमें एक नारियल चाहिए, जो हमने पहले ही इसे कट कर लिया है, क्योंकि हमें इसके सेल से निकालने में बहुत तकलीफ़ होती है। आप लोग कमेंट में बताइए कैसे निकाला जाता है। हमें इसका ये काला वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो हम इसे अपने चाकू की मदद से इसे निकाल लेंगे और निकाल कर इसे साइड कर देंगे, क्योंकि केक बनाने के लिए हमें एकदम सादा सादा पार्ट चाहिए। तो हम इसे साइड कर लेंगे। देखिए ऐसे ही करके हम अपना सारे छील लेंगे और छील के एकदम वाइट वाला पार्ट अलग कर देंगे और ब्लैक वाला पार्ट हटा देंगे। चाकू से छील लेते हैं, या आप चाहे तो आप पिलर से भी छील सकते हैं। देखिए ऐसे ही हम सारे अपना नारियल को छील लेंगे। हमने ऐसे ही करके सारे छील लिया और इसका काला वाला पार्ट हम साइड कर देते हैं। अब चलिए इसे ग्राइंडर मशीन में पीस लेते हैं। इसको हम एक जार ले लेंगे और इसमें छोटा छोटा एकदम टुकड़ा कर लेंगे करके, ताकि ये बारीकी से हम पीस पाएँ। ज़्यादा मोटा रहेगा तो पीसने में दिक्कत होगा, तो ऐसे ही कट कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पीस लेंगे अच्छी तरह, एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा पीस लेंगे। ऐसा ही हमें पेस्ट चाहिए, इसमें से हम अपना सारा दूध बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए इसका कंसिस्टेंसी ऐसा है, हमें इसमें से सिर्फ दूध चाहिए, तो हम इसे छन्नी से छान कर दूध बाहर निकाल लेंगे। देखिए हमारा बेटर इसमें हम छन्नी से छान लेंगे इसे अच्छी तरह, सारा दूध छान कर ऐसे ही हम निकाल लेंगे दबा दबा कर। बहुत अच्छी तरह दूध निकल जाएगा, हमें दूध की ही ज़रूरत है। तो इसे हम साइड कर देते हैं, इसे हम साइड कर देते हैं। देखिए हमने दूध बाहर निकाल लिया है, ये लगभग 500 ml के अनुसार दूध है। तो अब हम इस 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/2 कप के अनुसार हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये एकदम कम चीज़ों से बनने वाली बहुत अच्छी रेसिपी है। अब हम इसे अच्छी तरह 2 से 3 मिनट चला लेंगे इसे, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो नीचे बैठ जाता है। देखिए हम 2 से 3 मिनट इसे अच्छी तरह चला लिए हैं, अब चलते हैं इसे कुक कर लेते हैं। हम पैन को गैस पर चढ़ा लिए हैं और गैस जला लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिलाते हुए पकाएंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक हिलाते हुए पकाएंगे। 1 मिनट के लिए भी रुकना नहीं है, नहीं तो कॉर्नफ्लावर फिर तलवे में जाकर चिपक जाता है। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी मिठाई होता है। इसे स्लो मीडियम आंच पे इसे कुक करना है, नहीं तो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। देखिए हम जैसे चला रहे हैं वैसे ही आप लोग भी चलाइएगा। कि ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है, अभी भी हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। इसमें बनाने में कोई झंझट नहीं है, बहुत जल्दी बन जाने वाला रेसिपी है। तो देखिए हम कैसे बना रहे हैं, आप लोग भी अपने घरों में बनाइए और खाइए, ये बहुत ही टेस्टी होता है। बहुत देखिए ऐसा रहेगा और थोड़े देर हम पकाएंगे इसे। देखिए ये लगभग लगभग हो चुका है और हम 1 मिनट पकाएंगे तो ये हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, खाने में बहुत हेल्दी है कोकोनट का केक। तो आप लोग भी अपने घरों में बनाइए। देखिए ये कुक हो चुका है, ऐसा इसका थिकनेस रहेगा, तो समझिए कि ये कुक हो चुका है। अब हम इसका गैस का लीड बंद कर लेते हैं। हम एक बॉल ले लिए हैं, इसमें घी से ग्रीस कर लिए हैं। अब हम अपना जो केक का बनाया है बेटर उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए हम सारा केक का ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसे बहुत अच्छी तरह निकाल कर ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट कर लेंगे। हमारी नारियल से बनने वाली केक बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए हम अपना हाथ ऐसे लगा रहे हैं तो ये हाथों में नहीं चिपक रहा है और कितनी आसानी से ये छोड़ दे रहा है, देख रहे हैं ना आप। ये सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस बनने वाली आसानी से रेसिपी बन जाने वाली ये कोकोनट का केक है। तो चलिए इसे हम प्लेट करके दिखाते हैं। इसे प्लेट पर ऐसे लगा देंगे और लगाकर इसे लूट लेंगे। इसे कुछ नहीं करना, बस आस्ते आस्ते इसे डीप करते हैं। देखिए ये नारियल से बनने वाली केक कितनी सुंदर हुई है।
ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी हुआ है। देखिए कितना जेली टाइप हुआ है, एकदम देखने में लग रहा है ना एकदम जेली टाइप। आप भी अपने घरों में बनाइए और खाइए। और ये बहुत ही कम सामान से बनकर तैयार होने वाला केक है, बिना मेवा और बिना एग का बनने वाला ये केक है। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी खाइए और अपने घरों में बनाइए। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।